उसके शरीर में चोट कैसे आया सर? ये चोट तो अब कैसे आया, बना के लोग कर रहा है ये तो हम नहीं जानेंगे। ये थाना क्या मार है, पुलिस मारा है और 4 दिन पहले मारा, उसके बाद भी आज भी ये दाग जिंदा है 4 दिन बाद भी। अब देख लीजिए इतना मार पड़ा है। डूंगरी रिंग रोड में ला के थाना प्रभारी 3 आदमी मिल के पिटाई किया हमको। थाना में नहीं मारा? थाना में नहीं मारा, थाना में भी मारा है ला के। SSP को संज्ञान में लेना होगा और किसी को आदेश करना पड़ेगा और जल्द से जल्द उन लोग को निलंबित करना पड़ेगा, अन्यथा हम रोड से लेकर अनगढ़ा थाना तक हम हुक्का पानी बंद करने का काम करने को तैयार हैं। कानून को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं, यह देश संविधान से चलता है और संविधान कानून के दायरे से चलता है। तुम्हारी स्थिति अब कैसी है? खराब है बहुत, पागल जैसा लगता है, रात में सोच सोच के लगता है ऐसा लग फिर आएगा फिर मारेगा, दिमाग संतुलन खराब हो जा रहा है। सिर्फ दर्द उर्द? दर्द बहुत है, अभी भी बहुत दर्द है। हमारा सरकार है और सरकार रहते हुए हमारा समाज ही सुरक्षित नहीं है। झारखंड पुलिस को ना तो पुलिसिया काम करने का तरीका पता है और ना ही मानवीय मूल्य पता है। मैंने बार बार अपने कई रिपोर्ट में ये बात को कहा है, इस बात को कहा है कि झारखंड पुलिस को सिर्फ और सिर्फ मारपीट आती है, गाली गलौज आता है और अपना वर्दी और रुतबा दिखाना आता है। झारखंड के तमाम थानों में जब आप जाएंगे तो हर थाना में इस प्रकार का कंप्लेन आपको मिलेगा कि बड़ा बाबू या छोटा बाबू, वो लोग किसी को बुलाते हैं, 3rd degree टॉर्चर करते हैं और ज़बरदस्ती इस बात को स्वीकार कराते हैं कि तुमने अपराध किया है। इससे पहले थानों में कई बार आपने देखा कि थानों में लोगों को मार दिया गया है और उसका आरोप लगा दिया गया कि फांसी लगा लिया है, कोई पानी की टंकी में, कोई नल के नल में, कोई कहीं से। तो ये सवाल झारखंड पुलिस के अंदर हमेशा रहता है, झारखंड पुलिस के लिए भी रहता है कि झारखंड पुलिस को पुलिसिया कामकाज नहीं आता, आता है तो सिर्फ वर्दी और रौब दिखाना। सरकार किसी की भी हो, पुलिस का दबंग चेहरा है, पुलिस का रुतबा वाला चेहरा है, मारपीट जानती है, मानव मूल्य नहीं जानती है, कितना मारेगी किस हद तक मारेगी ये तय पुलिस करती है। लेकिन यह एकदम गैरकानूनी है और मानवाधिकार के खिलाफ है। एक नई घटना झारखंड के अनगढ़ा थाना के अंतर्गत हुआ है। कुछ दिन पहले एक 23 साल के युवक को थाना प्रभारी ने बुलाया किसी मामले में पूछताछ के नाम पर और उसके बाद उसको 3 दिन तक 24 घंटे से ज़्यादा रखकर उसको मारा है। हम उस बच्चे से आपको मिलाएंगे और दिखाएंगे कि अनगढ़ा थाना का कितना क्रूर चेहरा रहा है और किस तरीके से उसको मार के पूरा फुला दिया गया। फोटो में भी देखिएगा, समझते हैं क्या मामला है। का नाम हो तर? राहुल नायक। कहाँ घर? चिल्लाग में। यही वो लड़का है, 23 साल का युवा है जिसको अनगढ़ा थाना ने इतना मारा है कि इसका पूरा दिखाओ तो तुम पहले उसको इतना मारा है कि आज 4 दिन हो गया, नहीं 4 दिन हो गया, उसके बावजूद भी आप देखिए ये आज भी दाग है, ये लाल दाग, ये खून का चत्था, देखिए ये इतना मारा है कि आज भी इसको लगा हुआ है। देखिए ये थाना क्या मार है, पुलिस मारा है और 4 दिन पहले मारा, उसके बाद भी आज भी ये दाग जिंदा है 4 दिन बाद भी। अब देख लीजिए इतना मार पड़ा है। लेकिन सबसे घिनौना सवाल यह है कि अभी तक थाना प्रभारी पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। झारखंड के अंदर ये आम बात है, कब किसको थाने में मार दिया जाएगा, कब किसके साथ मारपीट किया जाएगा पता नहीं, काहे तो थाना ले गया, कब का बात है ये? एक जून को है। एक जून को। आज तो ढेर दिन हो गया जी, 8 तारीख हो गया। 8 तारीख। 1 जून को लेके गया, 1 जुलाई को लेके गया। 1 जुलाई को ले गया। कहाँ बोल के ले गया? बोल के ले गया कि तुम्हारा रिलेटिव कोई थुपुदाना में है। हम बोले हाँ है, मेरा फुआ घर तो वहाँ ले जाएगा। तो हम बोले कि सर हम 10 साल पहले गए हैं, अभी तो उतना नहीं पता है घर, नहीं देख पाएंगे। पर भी बोला कि चलो गए वहाँ, सबको पूछे तो बताए कि यहाँ है घर, फुआ घर पहुँचे। पहुँचने के बाद जब मेरा भाई और वह लड़की नहीं मिलने के बाद डूंगरी रिंग रोड में ला के थाना प्रभारी 3 आदमी मिल के पिटाई किया हमको। थाना में नहीं मारा? थाना में नहीं मारा, थाना में भी मारा है ला के। 1 तारीख को लेके गया उठा के? हाँ उठा के ले गया घर से। घर कहाँ हुआ? चिल्दाग अनगढ़ा। अनगढ़ा और लेके गया फिर रिंग रोड?
नहीं, फुआ घर, फुआ घर खोजने के लिए, खोजने के लिए। तो आपका फुआ का बेटा किसी लड़की के साथ भाग गया? नहीं नहीं, मेरा भाई। आपका भाई? हाँ। आपका अपना भाई किसी लड़की के साथ भाग गया? भाग गया। अच्छा, उसको खोजने के नाम पे तुमको लेके गया? ले गया। तुमको पता था कहाँ भाग के गया? नहीं नहीं पता था, बस शक पर ले गया। शक पर ले गया। कहाँ ले जाके मारा? डुंगरी रिंग रोड में। रिंग रोड में मारा? गाड़ी के अंदर बाहर? बाहर। बाहर रोड में? रोड में। वहाँ गाल उल में मारा गया, जैसे चोट लगा उस सब में? पैर जांग सब? जांग सब में, हाथ में भी। का चीज से मारा? वो लोग अब जो पाइप का जो होता है डंडा, उसमें कचकड़ा वाला जो कचकड़ा वाला में। कौन कौन था? बड़ा बाबू, छोटा बाबू और एक सिपाही। अच्छा। और उसके बाद फिर? उसके बाद फिर बैठा के लिए गए हमको, पूछने लगे कि भैया का घर। हम बोले कि वहाँ हम घर नहीं देखे हैं। उसके बाद वहाँ भी चल गए। आने के बाद थाना में लेके गाली गलौज किए, मारपीट किए, 3 दिन के बाद हमको छोड़ दिया। 24 घंटा ज़्यादा रखा? हाँ, 24 घंटा ज़्यादा रखा। ज़्यादा रखा। घर वाला कोई मिलने नहीं आया? मिलने आया। नहीं मिलने दिया? नहीं मिलने दिया, पर छोड़ा नहीं। फिर थाना में भी मारा? थाना में भी मारा 3 दिन तक लगातार काची से वही डंटा से। और क्या बोल रहा था जब मार रहा था? जाति का गाली गलौज कर रहा था, नीट जात का हो तुम लोग, छोटा जात का हो बोल के। ये तुम लोग नीच जात का, छोटा जात का, कौन बोला? बड़ा बाबू। बड़ा बाबू? तो बड़ा बाबू तो आदिवासी हैं क्या? छोटा बाबू भी? छोटा बाबू भी। और कोई आया था? कोई और नहीं आया था, ये दो लोग। तो तुम बोला नहीं कि भाई हम कुछ नहीं किए सर? बोले भी, माफ़ी भी मांगे, पर भी नहीं। फिर भी मारा? फिर भी मारा। तो अभी तक क्या हुआ है उसके बाद? कोई तुम्हें आवेदन उवेदन दिया कहीं? दिए। किसको? SSP को। SSP को? हाँ। तुम्हारा मेडिकल वेडिकल हुआ है? मेडिकल कराएं प्राइवेट में। अच्छा, क्या बोला वो लोग? लोग दवा हुआ दिया है, चल रहे हैं। अच्छा। आपका क्या नाम हो? मुकेश नायक। कौन है आप इनके? इनका हम फुआ का लड़का हुए। अच्छा। तिपुदाना मेरा घर हुआ, झारखंड राज्य घासी समाज का वरीय केंद्र उपाध्यक्ष हुए हम। कब पता चला आपको किस किस तरीके से मारा गया? इन 1 तारीख को इनको उठाया गया, और उस दरमियान हमारे तिपुदाना आवास पर मेरी मम्मी पापा रहते हैं, वहाँ पे इनको लाया गया। उसके बाद वहाँ लड़की लड़का नहीं पता चलता है, तो ये रिंग रोड ले जाया गया, राहुल हमको बताया। और रिंग रोड पर सुता करके पूरा बेहरमी से इसको मारा जाता है, एक दलित समाज के बेटे को। और DSP जो है, अनगाड़ा DSP, सिल्ली DSP का जो कहना है कि तू लोग साले नीच जाति के लोग, बड़े जाति के लोग को लेकर के भागते हो, बड़े जाति बनने का प्रयास करते हो, तुम लोग साला इनकाउंटर कर देंगे तुम लोग को। इस तरह का संज्ञान आता है, मामला आता है। आज घेराव करने को तत्पर हम लोग तैयार हैं, और जो भी ये मामला आया है इसको जल्द से जल्द SSP को संज्ञान में लेना होगा, और किसी को आदेश करना पड़ेगा, और जल्द से जल्द उन लोगों को निलंबित करना पड़ेगा। अन्यथा हम रोड से लेकर अनगढ़ा थाना तक हम हुक्का पानी बंद करने का काम करने को तैयार हैं। हेमंत सोरेन ये बार बार कहते हैं कि दलित आदिवासी पिछड़ों का शोषण केंद्र की सरकार करती है, मनुवादी लोग करते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार में ही एक दलित बच्चे को बेरहमी से थाना प्रभारी द्वारा मारा जाता है, और उसके बावजूद 8 दिन हो गए किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये अपने बहुत शर्म की बात है। हमारे साथ शिव टहल नायक दा हैं, अपने समाज का लेकर नेतृत्व करते हैं। कान अजी, आपको कब पता चला ये मामला? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को जोहार करता हूँ और सभी लोगों को भी। हमको 3 दिन पहले मालूम चला कि हमारा समाज का राहुल नायक जी हैं, जो इनका भाई का झूठा आरोप सही में किया है या गलत किया है ये मैं नहीं कहता हूँ। कानून को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं, यह देश संविधान से चलता है और संविधान कानून के दायरे से चलता है। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल से, कौन किताब कानून में लिखा हुआ है कि अगर छोटा भाई गलती करता है तो उसका बड़ा भाई को उसका सज़ा मिलती है? आज राहुल नायक को जिस तरह से बर्बरतापूर्वक मार पीट किया गया है, इसका शरीर पे जख्म जितना निशान है, मैं कहना चाहता हूँ आपका चैनल के माध्यम से कि ठीक है, गुनहगार अगर इसका भाई है, दोषी है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने इस लड़का, बेकसूर लड़का को बर्बरतापूर्वक
इसका शरीर को मार के तोड़ दिया गया है, चारों तरफ जख्म है, खून का धब्बा धब्बा निशान है। मैं उस पदाधिकारी को चेताना चाहता हूँ, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो हमारा दलित समाज आदिवासी समाज न्याय का किसके लिए पास जाएगा, गुहार लगाने के लिए न्याय का किसके पास जाएगा। आज मैं कहना चाहता हूँ, हमारा सरकार है और सरकार रहते हुए हमारा समाज ही सुरक्षित नहीं है, तो मैं अपनी सरकार से मैं मांग करना चाहता हूँ और पुलिस DGP साहब से भी मांग करना चाहता हूँ, यहाँ के SSP से भी मांग करता हूँ कि यदि 24 घंटा में उस गुनहगार पदाधिकारी को उसका कुकृत कुकर्मों का सजा अगर नहीं मिलता, उसको निलंबित नहीं किया जाता है, तो पूरे समाज हम लोग उग्र आंदोलन होकर थाने का घेराव करने का काम करेंगे। ये मूल मामला है जिसमें तमाम लोग आक्रोशित हैं। तुम्हारी स्थिति अब कैसी है? खराब है बहुत, पागल जैसा लगता है, रात में सोच सोच के लगता है ऐसा लग फिर आएगा फिर मारेगा, दिमाग संतुलन खराब हो जा रहा है। सब दर्द उर्द? दर्द बहुत है, अभी भी बहुत दर्द है। हाथ सब भी फूल गया था? हाथ सब भी फूल गया था पूरा। आप सोचिए कि ठीक है, आपको लगता है कि ये अपराधी है, लेकिन इसका अपना एक मानवीय मूल है, इसको भी एक संवैधानिक अधिकार मिलता है। इस देश के अंदर मानवाधिकार है और शायद कानून के जो लोग रखवाले हैं वही कानून तोड़ते हैं। थाना प्रभारी से भी हम बात करते हैं, समझते हैं पूरे मामले। हेलो, हेलो सर, जय हिंद जोहार, तीरथ नाथ आकाश बात कर रहा हूँ, पत्रकार हूँ। सर एक घटना है आपके थाना क्षेत्र का, एक जुलाई का राहुल नाम के लड़के को ले गए फिर मारपीट किए, क्या है इसमें? इस तरह गलत बात है, मारपीट नहीं किया गया है। तो शरीर में चोट कैसे आया सर? ये चोट अब कैसे आया बना के लोग कर रहा है तो हम नहीं जानेंगे, लेकिन आप 24 घंटा से ज्यादा आप उसको थाना में रखे हैं ना? 24 घंटा नहीं रखे हैं, 24 घंटा है, आप कब कर रहे हैं, कब से लेके गया है? हम रोज 2 तारीख रात में, आप 1 तारीख को, 1 तारीख को लेके, आप 1 जुलाई को लेके गए, के कर रहे हैं, के देखा है उसको, इसको की ये तारीख? अच्छा, कोई देखा नहीं है तो आप मारपीट में कोई देखा नहीं है तो आप मारपीट नहीं किए हैं? कहा गया नहीं किया। ये चोट कैसे आया फिर आपके थाना से निकलने के बाद इसको चोट आया, तो चोट आया कैसे, इसकी जिम्मेदारी तो आपकी? ये तो थाना है, थाना से बाहर जाने के बाद इधर आया तो ये तो आपको बताएगा। अच्छा, जिस तरीके का उसको चोट है वो किस कैसे आएगा, जांग में कैसे चोट आएगा? नहीं, ये चोट हम लोग के रहते नहीं आया है, इसको किसी तरह का क्या चोट आया है ये हमको जानकारी नहीं, जानकारी है ना। कंप्लेन कर रहे हैं लोग, आपको कोई मतलब नहीं? मानवाधिकार संस्थाओं से लेके सब जगह आपके नाम का कंप्लेन जाएगा, आपको कोई मतलब नहीं? नहीं, अब आप जवाब जो करना कीजिए, लेकिन कहने का मतलब है कि जब हम किए ही नहीं तो क्या अब उसका जवाब, मतलब आपको पता नहीं है कि आप इसको लेके गए थे थाना? आप थाना इसको लेके गए थे? हेलो, हाँ, आप थाना लेके गए थे, इसको मानते हैं ना कि आप थाना लेके? वो भी डिनाई कर दीजिए। थाना लेके नहीं गए हम, थाना हम इनका चुके अब 14 वर्ष की लड़की को है, पूछने के लिए ले गए थे हम, छापामारी करने ले गए थे। फिर थाना नहीं रखे आप इसको? थाना में रखे उसके बाद, तब तक तो कुछ नहीं था। अच्छा, तब तक कुछ नहीं था, ये लोग सडनली निकला इसको और अपना अपना जांग में अपने मारपीट करके और दाग ले लिया। अब क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ ये हम नहीं बता पाएंगे उसको, बनावटी बहुत चीज होता है, राजनीति हो रहा है ये। अच्छा, राजनीति हो रहा है, मारिएगा आप लोग और राजनीति करेगा कोई और लोग? हाँ, ये तो आप कह रहे हैं ना, किसके आदेश से मारे तो वो बता दीजिए, किसके आदेश से मारे? आदेश से जब हम मारे ही नहीं है तो आदेश का बात क्या कर? सदर थाना प्रभारी कुछ दिन पहले ऐसे ही गाली गलौज करके और मेरे ही फोन पे बोले कि गाली गलौज नहीं किए हैं, आज वो किस स्थिति में देख लीजिए, और आप फिर डिनाई कर रहे हैं कि मारपीट नहीं किए। आप आदिवासी हैं, आप आदिवासी पदाधिकारी हैं और आप इस तरीके से बर्बरता किए हैं, परिवार का भी आप लोग को नहीं समझ में आता है? नहीं, इस तरह का बात नहीं, बनावटी हर तरह। ठीक है, अब हम लोग ठीक है, अब आप लोग देखेंगे, चलिए।